घाट के ऊपर के नारायण नगर में नहीं थम रहा है शौचालय के करप्शन का मुद्दा। देखिए किस तरीके से लोग हैं नाराज, लेकिन स्थानीय नगर सेवक का नहीं है ध्यान। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नारायण नगर के घाट के ऊपर में करप्शन किस तरीके से शौचालय को लेकर के हो रहा है, ये हमने आपको एक खबर में विस्तार से बताया ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। और दूसरी खबर भी हम नारायण नगर के जो सलमा कंपाउंड है वहाँ की बता रहे, जहाँ पर 6 महीने से पड़ा हुआ जो लावारिस शौचालय है उसको देखने कोई नहीं आ रहा। अगर बात करेंगे स्थानीय नगर सेवक की किरण लांडगे, वो जो है इस पर फॉलोअप लेते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी लापरवाही जो है सबसे बड़ी इसमें देखने को मिल रही है। और आने वाली बारिश में अब ये काम को डिले कर महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें पूरे परिसर में महिलाओं के लिए लगभग अगर अंदाजे की भी बात करें हज़ारों लोग जो है वहाँ पर रहते हैं, और शौचालय सिर्फ एक डब्बा दिया गया है महिलाओं के लिए। इतनी दुखद की बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं, माँ बहनें जो है एक ही शौचालय का डब्बा दिया गया है उसके अंदर जा कर के शौच करते हैं, और उसी दौरान काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की सबसे बड़ी लापरवाही है, लेकिन स्थानीय नगर सेवकों को इस बात की खबर नहीं है। हम किरण लांडगे जी से भी अपील करना चाहेंगे, इस भ्रष्टाचारी जो हो रही है उसको लेकर के आवाज़ बुलंद करें, मनपा प्रशासन में इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करें, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो है फंड पास करने के चक्कर में लोगों के साथ धोखा करते हैं। और पूरे परिसर में जो है सिर्फ एक टॉयलेट दिया गया है महिलाओं के लिए, तो सबसे दुखद की बात है। अब देखते हैं ये मुद्दा किस तरीके से गर्माता है और क्या कुछ कहा आम लोगों ने। घाट के ऊपर के नारायण नगर के सलमा कंपाउंड पर हम खड़े हैं। लगातार जो एक वीडियो में हम आपको बताए कि किस तरीके से पूरे घाट के ऊपर में जो करप्शन चल रहा है शौचालय के नाम पर, उसी को उजागर करने के लिए आम जनता और है हमारे साथ मौजूद। बात करेंगे कितने महीने से ये बन रहा है शौचालय और कितना तकलीफों का सामना करना पड़ा। 6 महीने हो गए, 6 महीने हुए। किस तरीके की तकलीफ होती है? तकलीफ यही है कि बस जो हम लोग का कहना था कि थोड़ा कम करके बनाइए और थोड़ा आगे जगह छूट जाएगी तो अपने मतलब सेफ्टी के लिए रहेगा, कोई भी काम कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है तो 10 आदमी लोग जुटते हैं, बस यही हम लोग का कहना था। और ऐसे बनते बनते क्या बन रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। स्थानीय प्रशासन का कोई आया देखने आपको, BMC या स्थानीय नगर? BMC वाले जो बना रहे हैं वही लोग आए, बाकी कोई नहीं आया। जिनके हाथ ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उन्हीं लोग आए, बाकी कोई नहीं आया। जैसे 6 महीने से काम चल रहा है अभी तक इसका कुछ भी देखने को नहीं मिला है शुरुआत, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके का डिले काम कर रहे हैं ये लोग? काम तो डिले पर क्या, जो एरिया वाले लोग की सहमति है वो हिसाब से काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। हमको जगह थोड़ा चाहिए था क्योंकि ये इधर पे इतने दूर में कहीं जगह नहीं है बैठने उठने को, या कोई मर गया या किसी के साथ कुछ हादसा हुआ, किसी के लिए कुछ काम करना हो, हम लोग का वही उतना एक जगह था, अभी वो फिलहाल ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे पिलर खड़ा हो जाएगा तो ऊपर स्लैब आएगा, तो हम लोग को तो अड़चन ही हो गया है, बस यही हम लोग का बोलने का मतलब। रात भी रात इधर शौचालय एक डब्बा आपको दिया गया है महिलाओं के लिए, कितनी तकलीफों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है शौचालय जाने में? बहुत तकलीफ तो बहुत होती है क्योंकि लेडीज के लिए, बाकी जेंट्स तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेडीज ही नहीं कर सकती हैं। ये एक के वजह से ही सब लोग को वो करना पड़ा, अभी एक तो रमजान गया है उसी में सब लोग निकाल रहे अपना दिन बस। नारियल फोड़ने वाले नेता आपको दिखे जो ये कह रहे थे कि काम था उस टाइम में? और कोई भाई क्या कहना चाहेंगे, कोई नगर सेवक आया देखने आपको या बोल? नगर सेवक तो एक बार तो आए थे यहाँ पे, एक बार तो आए थे, उन्हें जैसे जैसे हम लोगों ने बताया गया था तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आपकी फैसिलिटी के हिसाब से काम होगा, बट देखने के हिसाब से लगता है कि उस फैसिलिटी से काम हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। अभी मेन ये है कि यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे जो बाथरूम की ज़रूरत थी हम लोगों को वो बाथरूम तो कम्प्लीट हो नहीं पा रहा है। आज 6 महीने से काम चल रहा है, 6 महीने से एंडिंग में आप बोल रहे हैं कि आज सुबह से, देखो भैया आज सुबह से एक भी काम हुआ नहीं है, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था काम, ये काम अधूरा छोड़ के चले गए, आज आया नहीं कोई काम करने के लिए। और रही बात स्लैब की, जो कह रहे हैं कि स्लैब आगे डालने के लिए बोल रहे, तो ये पिलर अड़ रहा है, इनके गैलरी में प्रॉब्लम हो रही है, इनकी गैलरी में ये प्रॉब्लम हो रही है कि बोल रहे थे कि पिलर ये एडजस्ट करेंगे, पिलर एडजस्ट करने के लिए बोल रहे थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आगे जो स्लैब डाल रहे थे स्लैब से प्रॉब्लम हो रही लोगों की, हम लोगों को उठना बैठना नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। मान लो कि कल को यहाँ पे कुछ मौत वगैरह होती तो जो भी यहाँ पे करना पड़ता हम लोगों को, हम लोग वो फैसिलिटी के हिसाब से करते, बट अगर वो चीज़ स्पेस हम लोगों को मिलेगा नहीं तो काम होने से मतलब नहीं ना। अब यहाँ पे बाथरूम बन रहा है बहुत अच्छी बात है बन रहा है, लेकिन वो उस फैसिलिटी के हिसाब से नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही से जो है काम इतना डिले हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही या नगर सेवक की? सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ही है, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से ही प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर जो हिसाब से आदमी लोगों को डिले कर रहे हैं वो हिसाब से बहुत स्लो काम हो रहा है, लेडीज लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक डब्बा छोड़ के गए यहाँ पे बाथरूम के लिए,
एक डब्बा छोड़ के गए बाथरूम के लिए, लेडीज आती है रात में यहाँ पे लाइन लगा लगा के एक एक घंटा आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं बाथरूम के लिए। अब बहुत सी प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर जाके पैसा देके करना पड़ता है। जेंट्स लोगों का तो चलो कोई बात नहीं, जेंट्स लोगों का, लेडीज लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक और आला अधिकारियों से? अपील यही अपील करना चाहेंगे, हम लोग यही अपील करना चाहेंगे, जितना फास्ट काम हो सके डिले मत करो इस काम को, फास्टली काम लो ताकि लेडीज लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुए और हमारी फैसिलिटी के हिसाब से काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बस, और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और बस वही ये जो स्लैब पड़ रहा उसी का कुछ करे कि जो जगह हम लोग की जैसी थी पहले वैसी हम लोग को करके दे दो, हमको और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।